بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My name is Dr. Muazzam Manzoor and now we are going to start off our discussion with the next subsection of logical reasoning, that is course of action. First of all, I would like to present you the big picture of my lecture. So in this lecture, first of all, we'll talk about the introduction of course of action subsection of logical reasoning. So PMC ne basically apne syllabus mein course of action ke hawale se jo bhi guidelines di hain, hum unke bare mein thodi si baat karenge. Secondly, we'll talk about the question format, imtihan mein kis tarah se sawal aapse pucha jayega. Aur third number pe hum hikmat e amli waza karenge कि किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है, और लास्ट पे हम अपनी हिकमत अमली को मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके भी देखेंगे। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मजीद बेहतर बना सकते हैं। जी, अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मजीद तेजी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हल शुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हल शुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्जाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्जाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्जाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितने मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक और शुभहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से जायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतजार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.pk। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit TopGrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060. So let's start off our discussion with introduction. You see here, a course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up or further action in regard to problem. So, कोई भी मसला है, किसी भी मसले या पॉलिसी के हवाले से आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है इंप्रूवमेंट के लिए या फॉलोअप या फर्दर एक्शन जो भी रिक्वायर्ड है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, टेस्ट टेकर्स शुड डिसाइड व्हिच ऑफ द सजेस्टेड कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉलो और फॉलोस फॉर पर्सुइंग। सो उन्होंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पे आपने अल्टीमेटली ये डिसाइड करना होगा कि आगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या करना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड से वे में बताया गया है ओवरऑल, ये कोर्स ऑफ एक्शन सबसेक्शन के हवाले से सिलेबस में। सो सादा सी बात इतनी सी है कि आपको कोई सूरत हाल दी जाएगी, कोई सिचुएशन, कोई रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिचुएशन में आपने मंतक या लॉजिक की बिना पे फैसला करना, राइट? तो इसमें या फिर ये भी कह लें कि इसमें मैं कहूँगा बल्कि कि आपने अपने कॉमन सेंस की बिना पे फैसला करना है कि अब आपने आगे करना क्या है। सादा लफ्जों में ये कह लें अगेन कि दे वुड गिव यू अ रियल लाइफ सिचुएशन और सिनेरियो एंड देन दे वांट यू एंड दे वांट यू टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, राइट? और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप्स, आगे क्या करना चाहिए, तो ये आपने डिसाइड करना उस सिचुएशन। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन PMC ने अपने सिलेबस में दिया है, हम उसको भी देख लेते हैं। You seen here, power supply on state X is terribly poor. ठीक है जी, state X की जो power supply है बहुत ही poor है। अब ये तो हो गई statement. अब courses of action कौन कौन से हैं? पहला course of action है कि WAPDA should urgently take action against power theft. कि जो बिजली चोरी करते हैं WAPDA को फौरी तौर पर उनके against action लेना चाहिए। और दूसरे number पे government should generate more power. गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से ज्यादा पावर जनरेट करनी चाहिए। अब इसमें आई वुड से कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो लोड शेडिंग है या पावर जो पावर सप्लाई पुअर होने की एक बहुत बड़ी वजह है वो बिजली की चोरी है। सो ऑफ कोर्स पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है समझ में आता है कि हम बिजली की चोरी रोकेंगे तो इससे पावर सप्लाई जो वो बेहतर हो जाएगी, वो रिलेटिवली उसकी जो इंटरप्शन है वो कम हो जाएगी। और सेकेंड नंबर पे ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट मजीद पावर जनरेट करती है, मे बी अगर गवर्नमेंट मजीद डैम लगाती है या एग्जिस्टिंग डैम्स की प्रोडक्शन पावर बढ़ाती है या कोई रेंटल पावर प्लांट्स वगैरह का इनिशिएटिव लेती है, कोई फ्यूल से बिजली बनानी शुरू करती है, किसी कंपनी से रब्ता करती है जो जिससे बिजली ले ले, तो किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट मोर पावर जनरेट करती है, ऑफकोर्स ये भी समझ में आती है बात कि अगर बिजली कम है तो चोरी को बचाएं
इससे भी सप्लाई बेहतर होगी और मोर पावर जनरेट करें, इससे भी जो सप्लाई है ये बेहतर होगी। सो इसमें इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आंसर होगा कि ये जो दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन है ये दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी द वन विच वुड बी हैविंग both of these courses of actions. So इसमें देखें A में सिर्फ one है, so ये answer नहीं है. B में सिर्फ two है, ये भी answer नहीं है. C में if either one or two is most appropriate, दोनों में से कोई एक नहीं, ये भी गलत है. So if neither one or two is most appropriate, इसके बारे में नहीं कह सकता कि दोनों में से कोई भी हम action ना लें. If both one and two are most appropriate, yes. If one or two दोनों ही बड़े मुनासिब solutions हैं, ये courses of action हैं. So best response for this question would be D. अब हमने देखा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन में अपनी कॉमन सेंस को यूज करके राइट कोर्स ऑफ एक्शन दी गई सिचुएशन में डिसाइड किया। ऑलराइट, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक झेलम से है और इन्होंने MD CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में फोर्थ पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका ताल्लुक पूरे वाला से है और इन्होंने MD CAT में पूरे पाकिस्तान में फोर्थ पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से जायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD CAT earlier prep for repeater students and MD CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतजार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.tk। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060. Question का format कैसा होगा इस particular subsection के हवाले से? एक passage या situation आपको दी जाएगी. So a passage or situation is given, followed by multiple statements. So एक passage होगा या situation होगी, उसके बाद कई सारी statements होंगी जो कि possible courses of actions होंगे. एक, दो, तीन, चार, जितने भी. And you have to make logical decision and pick the right course or courses of actions. So एक passage या situation दी गई है, फिर उसके बाद कई statements में उस situation के मुमकिन courses of action या हल दिए गए हैं और आपने अपनी common sense को use करके right course या courses of actions को choose करना है। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि लाजमी नहीं है कि एक ही course of action best हो। इवन एक ही टाइम पे हो सकता है कि आपको मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन को फॉलो करना पड़े। ये आपने अपनी कॉमन सेंस से डिसाइड करना है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपने फॉलो करना है और यू वुड लाइक टू फॉलो मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन एट द सेम टाइम। और ये कोर्स आप अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें आप, इसमें देखें कि द ए स्टेट गवर्नमेंट
has chalked out a plan for underdeveloped B district. ठीक है जी, ए स्टेट गवर्नमेंट ने जो अंडरडेवलप्ड बी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया. ऑलराइट, चॉक आउट प्लान फॉर अंडरडेवलप्ड बी डिस्ट्रिक्ट वेयर 66% ऑफ द फंड्स विल बी प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ अ कमिटी ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स. सो एक सूबा है जी जिसकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक अंडरडेवलप्ड जिला है. सो जहां पे जो 66% फंड्स हैं तरक्की के लिए वो जो उस जिले की कोई लोकल कमेटी है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम दे देंगे. ठीक है, उनको दे दें. गवर्नमेंट ऑफ कोर्स पैसे लगाने हैं, ऑफ कोर्स उस वो जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने के लिए. अब यहाँ पे पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं इसमें आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है वो ये है, द ए स्टेट गवर्नमेंट शुड डिसाइड गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी. ऑफ कोर्स अब जब सूबे ने किसी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसे देने हैं, 66% ऑफ द फंड्स उनके हाथ में पकड़ा देने हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई गाइडलाइंस और नॉर्म्स भी बनाए कि भाई इन असूलों पे अमल पैदा होते हुए या इन असूलों पे अमल दरामद करते हुए आपने ये पैसे स्पेंड करने हैं इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए. सो डेफिनेटली ये तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू मी कि ये काम तो होना चाहिए. अब नंबर टू पे है, अदर स्टेट गवर्नमेंट मे फॉलो सिमिलर प्लान इफ डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सिमिलर प्लान फॉलो कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको डायरेक्शन देती है. मिसाल के तौर पे जैसे जो एक सूबा है से पंजाब है, पंजाब का एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैसे भक्कर है, राइट. तो अब कह रहे हैं कि जी भक्कर में से फंड्स दिए देने हैं, वहां पे उसकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स दे रहे हैं, तो 66% ऑफ द फंड्स लोकल कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दें. ठीक है, सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि जी लोकल कमेटी जो भक्कर में बनी है या जो भक्कर में ऑलरेडी एक कमेटी लोकल एग्जिस्ट कर रही है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनको हमने पैसे देने और साथ उनके लिए गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स जनरेट करते हैं, वही इस तरीके से अपने पैसे लगाने. इट मेक्स सेंस, ये बात सही है. अब जो दूसरी स्टेट है मे बी केपीके है, केपी, अब दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सिमिलर प्लान फॉलो करे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करती है. भाई जो गिवन इंफॉर्मेशन है इन द पैराग्राफ, राइट, इसके अंदर कहीं भी किसी दूसरी स्टेट का कोई किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, और लाजमी नहीं है कि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ना वो सिमिलर प्लान ही फॉलो करे. वहां पे ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि दूसरी स्टेट के लिए भी सेम गाइडलाइंस होनी चाहिए, राइट. और इवन इफ इट इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये ऑफ कोर्स ये एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन आई वुड से कि नहीं होगा. और इसमें ये भी ऑफ कोर्स गिवन नहीं है कि दूसरी जो स्टेट है उसमें भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या नहीं है, व्हाटएवर. सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जो कि डिफरेंट हो सकती हैं. सो वन जो है राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, जबकि जो टू है ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. सो आई वुड फॉलो ओनली एंड ओनली वन. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. ऑलराइट, कि पहला वाला जो है ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन है. ओके, इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ. आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मजीद बेहतर बना सकते हैं. जी अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ. और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मजीद तेजी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन. इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हल शुदा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं.
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हल शुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्जाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्जाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्जाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितने मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मजीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक और शुभात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से जायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSE में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतजार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.pk। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060. अब स्ट्रेटजी के हवाले से थ्री स्टेप अप्रोच होनी चाहिए आपके टुवर्ड्स दीस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, पैसेज को पढ़ना है और सिचुएशन को समझ लेना, उस सिचुएशन को अपने दिमाग में बैठाना है। नंबर टू पे आपने हर स्टेटमेंट को रीड करना है, हर स्टेटमेंट को रीड करना है या हर कोर्स ऑफ एक्शन जो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है उसको रीड करना है और वाइजली अकलमंद से सोचना है कि ये लॉजिकल डिसीजन है इस सिचुएशन में या नहीं। इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन गिवन है इसमें ये डिसीजन लॉजिकल है या नहीं, राइट? सो यहाँ पे अब ये देखें कि ये जो सिनेरियो यहाँ पे गिवन है, इसके अंदर अभी पहले वाला जो ओवरऑल पहले वाली जो सिचुएशन है उसका कुछ बना नहीं है। अभी हमने पैसे दिए नहीं है, अभी डेवलपमेंट आई नहीं, उसके अंदर रिजल्ट्स नहीं आए, अभी हमें पता भी नहीं कि पहले वाले का क्या बना है। हम पहले ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी गवर्नमेंट दूसरों को भी कहे तुम भी ऐसे करो? सो जब एक जगह पे ऑफकोर्स काम हो जाएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी,
कुछ चीज पक्की हो जाएगी, फिर ठीक है गवर्नमेंट दूसरों को करे, तो इस गिवन सिचुएशन में तो सिर्फ वन कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो होगा। तो यहाँ भी आप देखें कि आपने क्या सोचना है, कि वाइजली सोचना है कि ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉजिकल डिसीजन है कि नहीं लॉजिकल। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी एक डिस्ट्रिक्ट पर पैसा लगाए नहीं, तो दूसरे पे लगाने के लिए पहले गाइडलाइन आप जनरेट कर रहे हैं, तो ये इलॉजिकल है, राइट। और यहाँ पे ये एक चीज याद रखना कि जो इलॉजिकल कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं ये आमतौर पर रिडिकुलस से होते हैं, बड़े मजाइया से सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यार ये तो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वहां पर आपको इस चीज का मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे फिर ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, अब आपने अपने लॉजिक के बेस पे जो बेस्ट कोर्स और कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, अब यहाँ पे बल्कि कोर्स स्लैश कोर्सेज, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सो बेस्ट कोर्स या कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने चूज कर देना है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसी स्ट्रेटजी के तहत। अब हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल्स इन विलेजेस, ठीक है जी। बहुत सारी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की वो विलेजेस में स्कूल से ड्रॉप हो रही है, as their parents want their children to help them in farms, क्योंकि उनके वालदैन ये चाहते हैं कि farms में वो बच्चे उनकी मदद करें, ठीक है जी। सो एक मसला दरपेश है कि स्कूलों से बच्चे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के वो उन्हें फार्म से काम पे लगा रहे हैं अपने साथ, of course for making money। अब इस सूरत हाल में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम जितने भी गिवन कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं हम हर एक को अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें आप देखें कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या गिवन है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लॉन्च अ प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक प्रोग्राम लॉन्च करे कि वो जो फार्मर्स हैं उनके अमंग अवेयरनेस जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो वो क्रिएट हो, राइट। सो ऑफ कोर्स ये एक बड़ी मुनासिब बात है कि उन्हें बताया जाए कि भाई अब अगर आप लोग इस स्टेज पे बच्चों के स्कूल छुड़वा रहे हो तो आगे जाके आपको उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हो अपना और अपने बच्चों का। सो ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई कैंपेन जो है अवेयरनेस कैंपेन ये लॉन्च की जा सकती है। सो ये एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन है मेरी नजर, ओके। सो हम बाकी कोर्सेज ऑफ एक्शन को भी देख लेते हैं। अवेयरनेस ऑफ कोर्स ये देनी चाहिए, मे बी वाया टीवी प्रोग्राम्स, मे बी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स भेज के, किसी भी तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है, दिस इज फाइन। नंबर टू पे द गवर्नमेंट शुड ऑफर इंसेंटिव्स टू दोज फार्मर्स हूज चिल्ड्रन रिमेन इन स्कूल्स। अब देखिए कि फार्मर्स को भी प्रॉब्लम है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो इस वजह से वो बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। तो हम अगर उनको ये कह देंगे भाई आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो तो हम आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी दे देंगे, आपकी जो परेशानी है उसमें कुछ हम भी शेयर कर देते हैं, कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो एजुकेशन जो है ये बेसिक राइट है एवरी सिंगल चाइल्ड का, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक शहरी के जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। सो अगर फार्मर्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं पैसों की वजह से, तो हम अगर थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करके और बच्चों को स्कूलों में रहने देंगे और एनकरेज कर देंगे इनडायरेक्टली फार्मर्स को कि वो बच्चों को स्कूलों में रहने दें, तो ये भी एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सो मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं या थर्ड प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन पे चलते हैं, एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, ठीक है, 14 साल की उम्र तक सबके लिए तालीम लाजमी करार दी जाए एंड देयर एम्प्लॉयमेंट बैन, और 14 साल से कम उम्र बच्चों को जो भी कहीं नौकरी देगा या काम पे लगाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि भाई हमने हमने उस बच्चे का राइट है पढ़ना, हमने उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है, ठीक है। सो आई वुड से कि कोर्स ऑफ एक्शन जो वन है, टू और थ्री, ये तीनों कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हैं ये दे मेक लॉट ऑफ सेंस। सो ये तीनों काम करने चाहिए बच्चों के इस बेसिक राइट एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई वुड से कि वो हमारी वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। So only one and two follow A option. So two and three, one and three, all follows. Of course, all follow. ये मेरे ख्याल में best response होगा. So best response is delta to this question. Another question. The M state government has decided Hereford to award the road construction on open tenders only. अब देखिए दोबारा statement को पढ़ते हैं, इसको understand करते हैं. कि एम स्टेट गवर्नमेंट है,
उसने has decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders. कि जी हमने सिर्फ tenders देने हैं और उसके टेंडर दे के रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टेट ने ये डिसाइड किया है। टेंडर से क्या मुराद होती है कि कोई भी काम करना है से पेपर में इश्तिहार देते हैं कि भाई हमने ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी है। इसके लिए जो जो लोग जो जो वेंडर्स ये काम करना चाहते हैं, जो जो कंपनीज ये काम करना चाहती हैं, वो अपना प्रपोजल हमें दें, राइट। सो वो टास्क को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अपना समझ लें कि एक तरह से बिड देते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। सो ये टेंडर होता है एक तरह से। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है भाई हमने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन टेंडर देना, ओपन टेंडर देना कि मल्टीपल लोग उसमें आके मुकाबला करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम रोड कंस्ट्रक्शन जो आगे उसको कैरी करेंगे टेंडर के थ्रू। अब कोर्सेज ऑफ एक्शन इस सिचुएशन में क्या क्या प्रपोज है। एम स्टेट विल नॉट बी एबल टू गेट द वर्क डन स्विफ्टली, विल हैव टू गो थ्रू टेंडर एंड अदर प्रोसीजर्स। भाई ऐसा तो नहीं है अगर के लाजमी तो नहीं है कि टेंडर दे दी है तो उसके अंदर प्रोसीजरल डिलेज आने ही आने। अगर एक्टिवली किया जाए ये काम तो इवन बहुत जल्दी से भी टेंडर्स को प्रोसेस किया जा सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। ये कह रही है स्टेटमेंट कि एम जो एम स्टेट है या जो एम सूबा है मे बी वो तेजी से काम नहीं करा सकेगा क्योंकि टेंडर के लिए पहले ऐड देगा, फिर लोग उसके ऊपर आएंगे, फिर आपस में कॉम्पिटिशन होगा व्हाट्सएवर, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत टेंडर किसी ना किसी को मिलेगा या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ना किसी को मिलेगा। तो भाई ये काम सारे का सारा स्पीड अप भी किया जा सकता है। सो ऑफ कोर्स ये मेरा नहीं ख्याल कि एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और दूसरे नंबर पे हेंस फोर्स द क्वालिटी ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड मे बी ऑफ कोर्स फार बेटर। कहते हैं कि जी इस वजह से ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ रोड्स जो फार बेटर हो। भाई ये लाजमी नहीं है कि आप टेंडर दोगे तो टेंडर के थ्रू क्वालिटी ऑफ रोड्स इंप्रूव हो जाएगी। हो सकता है कि एक टेंडर जो वो बंदा एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रपोज करके टेंडर विन कर ले, बाद में क्वालिटी मेंटेन ही ना करे। तो क्वालिटी अश्योरेंस के जो मेजर्स हैं वो तो अलग से लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये भी एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है इस सूरत हाल के अंदर। सो आई वुड से के नाइदर वन और टू फॉलोस, राइट। इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतजार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से जायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit TopGrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060. Okay. अब हम next question पे चलते हैं। Next जी के alert villagers nabbed a group of bandits or robbers armed with murderous weapons. के जो कुछ alert villagers थे देहाती थे, उन्होंने डाकुओं को पकड़ा है जो कि मुसल्ला डाकू थे। So, मुसल्ला कुछ डाकुओं को पकड़ा। ओके, कोर्सेज ऑफ एक्शन अब क्या है? द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। अब देखिए मैंने कहा था ना कि जो इलॉजिकल कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं वो रिडिकुलस होते हैं। अब देखिए कि उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया, अब हम उनको उल्टा असला पकड़ा दें, लो भी आप भी डाकू बन जाओ, राइट। सो दिस इज नॉट राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑफ कोर्स दिस इज सिली, दिस वुड बी रादर सिली कि आप उनको भी हथियार दे दो, ठीक है। Villagers should be provided sophisticated weapons, absolutely not. ये तो बहुत बड़ा blunder होगा अगर आप ऐसे हथियार देने शुरू कर दोगे। And the villagers should be rewarded for their courage and unity. हाँ, ये हम कर सकते हैं कि भाई देहातियों ने अगर हिम्मत दिखाई है, मुसल्ला अफराद को उन्होंने पकड़ लिया अपनी जान पे खेल के, हम उनको उनकी
जरूरतमंदी जरूरत के लिए और उनके हौसले के लिए हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आता, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन यस दिस इज अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी बीटा, सो यू फॉलो ओनली सेकेंड वन बीटा। ओके सो नेक्स्ट, अब एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, द कार डीलर फाउंड दैट देयर वाज अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर द न्यू एक्स वाई जेड कार बुकिंग विद लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस आवर्स एंड अरेंजमेंट्स। देखिए जी, एक कार डीलर है, उसने ये देखा है कि जी एक कोई कार है पर्टिकुलर, मे बी होंडा सिटी जैसे अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उसका न्यू मॉडल, तो अब जहां लोगों की लंबी लाइनें हैं और वो कंप्लेन कर रहे हैं जी कि बिजनेस आवर्स कम हैं और इसके हवाले से कोई अरेंजमेंट्स करें, ठीक है, कार बुकिंग है, लोग बहुत सारे गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन लोगों को कतारों में वेट करना पड़ रहा है लंबी कतारों में, तो इसके लिए अभी इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अब कोर्सेज ऑफ एक्शन प्रपोज है। अब ये देखें कि पीपल शुड मेक देयर अरेंजमेंट ऑफ लंच एंड स्नैक्स वाइल गोइंग फॉर कार एक्स वाई जेड बुकिंग एंड बी रेडी टू स्पेंड सेवरल आवर्स। अब हम लोगों को ये कह दें भाई आप अपना लंच और स्नैक्स वगैरह साथ लेके आए और ज्यादा टाइम, ताकि आप ज्यादा सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सके, ऑफकोर्स दिस वुड बी लॉजिकल। अब बैंक में जाते हैं बिल जमा कराने के लिए, वहां पे लंबी लाइन है, तो क्या करना चाहिए बैंक को, बैंक को चाहिए कि वहां पे बिल जमा करने के लिए बंदे बढ़ाए या वो आपको के घर से रोटी लेके आया करो और यहाँ बैठ के इंतजार करो, ऑफकोर्स यू नो वट इज सिली एंड वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग। सो ये तो बिल्कुल भी एक एब्सोल्युटली सिली डिसीजन होगा कि उनको ये कह दें भाई आप अपना लंच और स्नैक्स ले आया करो। सेकेंड नंबर पे आप देखें, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क एंड इंक्रीज बिजनेस आवर्स टू सर्व मोर पीपल इन लेस टाइम। हाँ, ये बात बनती है ना कि भाई बुकिंग आवर्स को इंक्रीज कर दें। सो एक तो अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क, एक तो बुकिंग डेस्क की तादाद को इंक्रीज करें, जहाँ पे दो लोग या तीन लोग बैठे हैं वहां चार पांच छह कर बढ़ा दें, बुकिंग डेस्क की तादाद बढ़ा दें। नंबर टू पे बिजनेस आवर्स को इंक्रीज कर दें, जहाँ पे आप डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं वहां पे कोशिश करें कि आप 10 घंटे लगा दें उसके ऊपर, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम के लिए जब ज्यादा लोग बैठेंगे तो ज्यादा लोगों को सर्व कर सकेंगे, सो एज टू सर्व मोर पीपल इन लेस टाइम। सो दिस इज वेरी मच लॉजिकल डिसीजन, सो आई फॉलो ओनली एंड ओनली द सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बीटा, राइट, बीटा इज ओनली टू फॉलोस, सो बीटा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स हियर। So that's all about this particular subsection. So इसके हवाले से simply आप ये कह लें कि आपने अपनी common sense को use करके सही course of action को find करना है, right? और अगर आप situation को अपने दिमाग में fit कर लेते हैं और just बैठ के सोचते हैं अपने आप को उस situation के अंदर रख के कि आप उस situation में अगर होंगे और आपके हाथ में decision making होगी तो आप क्या करेंगे, of course आप थोड़ी सी common sense को use करके right course of action पे पहुंच जाएंगे, वेरी सिंपल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन, थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू सून विद अनदर सबसेक्शन, अल्लाह हाफिज। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड टॉप ग्रेड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, विजिट topgrade.pk। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 03040111506।